गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है विकास रहेजा और मैं आपका वेलकम करता हूं आज के एक बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम में। दोस्तों, आप जैसे जानते हैं कि वेस्टीज हमेशा से बिलीव करता है हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को कंप्लीट हेल्थ देने के लिए। हम हमारे सप्लीमेंट्स के ज़रिए हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को अच्छी हेल्थ देते हैं। हम हमारे एयर प्योरीफायर के ज़रिए हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को प्योर एयर देते हैं और हम हमारे वाटर प्योरीफायर के ज़रिए हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को क्लीन वाटर देते हैं। दोस्तों, आज का जो प्रोग्राम है वो वाटर के ऊपर है और आप जानते हैं कि पानी हम सबके लिए बहुत ज़रूरी होता है। वाटर हमारे लिए बहुत असेंशियल होता है और वो क्लीन फॉर्म में होना चाहिए। सो आज का प्रोग्राम इसी चीज़ के ऊपर है। आज हम जानेंगे कि कैसे हम वेस्टीज के शार्प वाटर प्योरीफायर के ज़रिए हम अपने आप को और हमारे लोगों को, हमारी फैमिली को क्लीन वाटर दे सकते हैं ताकि हम उनको और हेल्दी बना सकें। सो आज का जो प्रोग्राम है उसके अंदर हम जानेंगे कि वेस्टीज शार्प वाटर प्योरीफायर के क्या क्या बेनिफिट्स हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में हम लोग बात करेंगे जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो हमें पता होने चाहिए और हमारे लोगों को पता होने चाहिए। सो आज के प्रोग्राम को करने के लिए आज मेरे साथ शार्प कंपनी से डायरेक्टली मिस्टर शुभेंदु मजूमदार हैं जो शार्प में नेशनल प्रोडक्ट मैनेजर हैं। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर मजूमदार से कि वो आज अभी हमें वेस्टीज शार्प वाटर प्योरीफायर के बेनिफिट्स क्या हैं वो बताएं और उसके बाद हम इसके साथ हम कुछ कॉमन क्वेश्चन एंड आंसर्स के ऊपर भी बात करें। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मजूमदार जी से कि प्लीज़ वो अपनी आज प्रेजेंटेशन हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। तो फिर चलिए वाटर प्योरीफायर के बारे में डिटेल में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको तीन ऐसे पॉइंट्स बताना चाहता हूँ हमारे वाटर प्योरीफायर के, जो मार्केट के किसी भी वाटर प्योरीफायर से ये फंक्शनली बेटर है। सबसे पहला बेनिफिट जो आपको शार्प वेस्टीज वाटर प्योरीफायर देता है वो ये है कि जो पानी की क्वालिटी है, पानी का जो टेस्ट है और जो प्योरिटी है वो बेहतरीन क्वालिटी का मिलता है, बेहतरीन स्टैंडर्ड्स के मिलते हैं। वो इसलिए बिकॉज जो टेक्नोलॉजी और जो मेथड ऑफ प्योरीफिकेशन हम अपनाते हैं, जो मटेरियल की क्वालिटी दिया गया है फिल्टर्स के अंदर, वो इंश्योर करता है कि आपको प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर मिलता रहे। और इंडिया में ऐसा कोई ब्रांड नहीं है जो इससे बेहतर पानी आपको दे सकता है। बेनिफिट नंबर टू, वाटर प्योरीफायर का पर्पस होता है, मेन पर्पस होता है परचेज का, कि पानी को प्योरीफाई करे और करते रहें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें मैं कंसिस्टेंसी की बात कर रहा हूँ। दुख की बात यह है कि मार्केट में जो टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, जो प्योरीफिकेशन मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है, अनफॉर्चुनेटली वो आउटडेटेड हो चुके हैं, ऑब्सोलीट होने वाले हैं। लेकिन हम अपने प्योरीफायर में बेहतरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, फ्यूचर जेनरेशन मेथड्स ऑफ प्योरीफिकेशन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे आपको पानी की क्वालिटी ही नहीं, आपको पानी में कंसिस्टेंट क्वालिटी मिलता है। मतलब जितनी देर फिल्टर की लाइफ है वो पूरे लाइफ के दौरान आपको बेहतरीन क्वालिटी का पानी मिलता रहेगा, जो कि बाकी ब्रांड्स में हमेशा चैलेंज रह जाता है। तीसरा बेनिफिट जो आपको वेस्टीज शार्प वाटर प्योरीफायर देता है वो ये है कि पानी कई जगहों में कॉन्टैक्ट्स में आता है वाटर प्योरीफायर, जैसे पाइप्स है, फिल्टर कार्ट्रिजेज है, टैंक है। तो ये जो मटेरियल दिया गया है हमारे वाटर प्योरीफायर में वो है एनवायरनमेंट फ्रेंडली फूड ग्रेड मटेरियल। आप ये ध्यान दीजिएगा, चूँकि सस्ते प्रोडक्ट्स मार्केट में वो ख़राब क्वालिटी के प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं, जिससे प्लास्टिक का स्मेल पानी में ट्रांसफ़र हो सकता है, जो कि हमारे प्योरीफायर में ये बिल्कुल नहीं होगा, चूँकि मटेरियल की क्वालिटी बहुत बेहतरीन दिए गए हैं। ये जो तीन बेनिफिट मैंने आपको बताया, ये अब मैं डिटेल में इसके बारे में बात करूँगा, एक एक स्लाइड्स के ज़रिए मैं आपको दिखाऊँगा। आपको लग रहा होगा कि ये चीज़ हम कैसे बोल सकते हैं कि हमारा प्योरिटी इतना है, हमारी कंसिस्टेंसी है, जो बाकी इतने नामी दामी ब्रांड्स है, ऐसा कैसे आपके मन में ये सवाल आ रहे होंगे। तो अब चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन की ओर, डिटेल में समझते हैं और प्रूफ के साथ मैं आपको ये दिखाऊंगा कि हमारे ये जो तीन बेनिफिट है, ये मैं सिर्फ ऐसे ही बात नहीं कर रहा हूँ, इसके साथ हमारे लिए बहुत सारे प्रूफ अवेलेबल है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पानी में, जो पानी हमारे घर में आता है, चाहे वो कॉरपोरेशन सप्लाई हो, चाहे कुएं से पानी आप निकाल रहे हो,
चाहे आपकी बोरिंग सिस्टम आपने लगा रखा है। तो पानी जो हमारे घर में आता है उसके जो सोर्स वाटर जिसे आप कह सकते हैं, जो हमारे घर में जनरली टैंक में भरे जाते हैं, फिर टैंक से हमारे पाइप्स लाइन के जरिए टॉयलेट में या किचन में आते हैं वो पानी। तो पानी के अंदर तीन तरीके के इम्प्योरिटीज़ कॉमनली पाए जाते हैं। फिजिकल इम्प्योरिटीज़ उनको कहा जाता है जो कंकड़, मिट्टी, मेटल्स के टुकड़े या रेत या रबर के टुकड़े, ये सारे फिजिकल इम्प्योरिटीज़ के कैटेगरी में आता है। दूसरा केमिकल इम्प्योरिटीज़ जो कि सबसे ज़्यादा डेंजरस माना जाता है पानी के अंदर। अगर पानी के अंदर केमिकल इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा होंगे तो आपको टेस्ट अजीब सा लगेगा पानी का, या पानी में हार्डनेस रहेगा, ठीक है। तो इससे आपको पता लगता है कि पानी के अंदर एक्सेसिव केमिकल इम्प्योरिटीज़ है। केमिकल इम्प्योरिटीज़ के मेजरली दो सोर्सेस हैं। एक है एग्रीकल्चर के दौरान जो फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है, उससे जो इम्प्योरिटीज़ मिट्टी के जरिए पानी वाटर बेड में पहुंच जाता है। दूसरा जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जो इंडस्ट्री से ड्रेन में डाल दिया जाता है या आप ये देख लीजिए कि नदी में डाल दिया जाता है, उसके कारण भी पानी में केमिकल इम्प्योरिटीज़ हो सकते हैं। और सबसे ज़्यादा डेंजरस हमारे शरीर के लिए यह है केमिकल इम्प्योरिटी। तो बेहतर वाटर प्योरीफायर वही होता है जो बेहतर तरीके से, एफिशिएंट तरीके से केमिकल इम्प्योरिटीज़ को निकाल सके। तीसरा बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज़, जैसे कि नाम से आपको पता लग रहा है कि इसमें बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है, तो ये भी डेंजरस होते हैं। बट कुछ हद तक हमारे शरीर में बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज़ के लिए तो इम्यूनिटी है, लेकिन केमिकल इम्प्योरिटीज़ के लिए कोई इम्यूनिटी हमारे शरीर के अंदर नहीं है। वो डायरेक्ट डैमेज करता है हमारे ऑर्गन्स को, डायरेक्ट डैमेज करता है हमारे डाइजेस्टिव प्रोसेस को, राइट। तो हम अब ये देखते हैं कि मैंने आपको शुरू में जो तीन बेनिफिट बताए थे उसमें से पहला बेनिफिट जो था कि हम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर देते हैं। तो आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि कंपटीशन क्यों नहीं देता, तो कंपटीशन के बारे में देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि कंपटीशन कौन से टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला सेडिमेंट फिल्टर, ये एक स्पॉन्ज या फोम टाइप मटेरियल का होता है। मान लीजिए कि एक फोम के चद्दर को लपेट लपेट के सेडिमेंट फिल्टर बनाए जाते हैं। तो ऑब्वियसली स्पॉन्ज या फोम इतना ड्यूरेबल नहीं होगा, इतना स्ट्रांग नहीं होगा, जिसके कारण ये जो उनकी जाली है, मैं कंपटीशन के सेडिमेंट फिल्टर की बात कर रहा हूँ, वो धीरे धीरे फटने लगता है। तो आप देखिए, मैंने क्वालिटी और कंसिस्टेंसी की बात करी थी शुरू में, पहला ही फिल्टर जो है कंपटीशन का उस पर फेल हो जाता है। मतलब जैसे जैसे फटने लगता है, जैसे जैसे पोर साइज बढ़ने लगता है, वैसे वैसे क्वालिटी और कंसिस्टेंसी दोनों गिरते रहते हैं। दूसरा एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, जिसमें ग्रैनुलर सब्सटेंस का इस्तेमाल किया जाता है, ग्रैनुलर चारकोल मान लीजिए या ग्रैनुलर कार्बन मान लीजिए। ये आपने हमारे एयर प्योरीफायर में भी ठीक इसी तरीके के ग्रैनुल्स देखे होंगे। तो एक बॉक्स के अंदर ग्रैनुल्स डाला जाता है और जब पानी गुजरते हैं उसमें से, तो पानी के अंदर जो क्लोरीन होते हैं, आप अगर म्यूनिसिपल वाटर देखेंगे कि म्यूनिसिपल वाटर में काफ़ी हाई मात्रा में क्लोरीन डाला जाता है, तो उस क्लोरीन को तो कार्बन फिल्टर निकाल सकता है, लेकिन बाकी जो पानी के अंदर केमिकल्स है उसके लिए कार्बन फिल्टर उतने असरदार नहीं है। तीसरा टेक्नोलॉजी जो आपको दिखाई दे रहे हैं कॉम्पिटिशन के केस में, वह है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसे UF के नाम से जाना जाता है कॉमनली। अगर ड्यूरेबिलिटी को देखेंगे तो UF मोर और लेस ड्यूरेबल है, क्योंकि उसमें पाइप्स का एक गुच्छा इस्तेमाल किया जाता है। मान लीजिए जैसे हमारे घर में झाड़ू होते हैं, झाड़ू में जैसा एक गुच्छा होता है, उस तरीके के बहुत पतले पतले से पाइप्स का एक गुच्छा बनाया जाता है और उस गुच्छे को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। आप मान सकते हैं कि हमारे जो बाल है, अगर उससे 50 गुना पतला पाइप्स का एक गुच्छा, वह है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन फिजिकल इम्प्योरिटीज़ को तो अच्छे तरीके से रोक पाता है, लेकिन बायोलॉजिकल और केमिकल इम्प्योरिटीज़ के लिए इतने ज़्यादा असरदार नहीं है। वो 65-75% तक उनकी एफिशिएंसी रहती है केमिकल और बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज़ में। मतलब 25-30% तक इम्प्योरिटीज़ पानी के अंदर रह जाएंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद भी। RO टेक्नोलॉजी, TDS और मिनरल्स के बारे में मैं अगले साइड में
स्लाइड में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आरओ के अलावा जो टेक्नोलॉजी कॉम्पिटिशन इस्तेमाल करता है उनके बारे में समझ लेते हैं और उनकी जो वीकनेस है वो भी देख लेते हैं। चौथा टेक्नोलॉजी जो कॉम्पिटिशन यूज़ करता है वो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बहुत इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है। एक चेम्बर होता है, एक उसके अंदर एक लाइट होता है, यूवी लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। जब पानी चेम्बर में से गुजरता है, रनिंग वाटर, पानी के ऊपर अल्ट्रावायलेट लाइट जब गिरता है, पानी के अंदर ऑक्सीजन को चार्ज कर दिया जाता है और उस चार्ज ऑक्सीजन बन जाता है ओजोन, और ये ओजोन बैक्टीरिया वायरस को मार सकता है। यह टेक्नोलॉजी। लेकिन इन यूवी टेक्नोलॉजी में तीन बहुत मेजर ड्रॉबैक्स हैं। सबसे पहला ड्रॉबैक यह है कि जो रनिंग वाटर है, पानी एक तरफ से आ रहा है दूसरे तरफ से निकल रहा है, मतलब 4 से लेकर 5 सेकंड के अंदर यूवी टेक्नोलॉजी को पानी में अल्ट्रावायलेट लाइट फेंकना है, ऑक्सीजन को चार्ज करना है और बैक्टीरिया वायरस को मारना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अच्छा है बुरा है, बट आप खुद सोच लीजिए कि यूवी टेक्नोलॉजी जो कॉम्पिटिशन इस्तेमाल करता है, जिसके बारे में इतना डिटेल में लोग बताते हैं कि ये इसकी सबसे बड़ी कमी है कि 4 से 5 सेकंड के अंदर जितनी देर में पानी गुजर जाएगा उतनी देर में यूवी एफिशिएंटली उसे क्लीन कर सकता है कि नहीं। दूसरा ड्रॉबैक ये है कि जब भी टेक्नीशियन आता है कभी भी यूवी चेम्बर को खोल के साफ नहीं करता, जिसके कारण यूवी चेम्बर के अंदर काफ़ी सारे बैक्टीरिया वायरस खुद ही एक्यूमुलेट हो सकता है, काई जम सकता है। और जो यूवी लाइट है उसकी भी ब्राइटनेस धीरे धीरे घटती रहती है, उसकी ब्राइटनेस एक जैसे नहीं होती। जैसे जैसे ब्राइटनेस घटते जाएंगे वैसे वैसे ओजोन बनने की क्षमता भी घटते जाएंगे, एफिशिएंसी भी घटता जाएगा। तो आपने अगर ये देखा है कि हमने जो शुरू में आपको बताया था कि जो हम टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल कर रहे हैं और कॉम्पिटिशन जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं ये आउटडेटेड है, पूरे तरीके से ना कंसिस्टेंसी दे सकता है, कंसिस्टेंट क्वालिटी दे सकता है, ना आपको क्वालिटी ऑफ वाटर दे सकता है, बट शार्प, अब मैं आपको बताऊंगा कि शार्प किस तरीके का टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है और वो बाकी ब्रांड से बेटर क्यों है। लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं कि TDS मिनरल और RO टेक्नोलॉजी, इन तीन चीज़ों का रिलेशनशिप क्या है। TDS का मतलब होता है टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स। आपको मार्केट में बहुत इजीली TDS मीटर मिल जाएंगे जो कि 250-300 रुपए से ज़्यादा नहीं होता है, और वो मीटर आप अगर लेके आते हैं तो आपके घर पे जो पानी आ रहा है उसका TDS आप मेजर कर सकते हैं। TDS में आपको डिसॉल्व्ड सॉलिड्स का एग्जांपल मैं अगर दूं आपको, एक ग्लास अगर लेंगे उसके अंदर एक चम्मच चीनी डालेंगे, उसको अगर स्टरिंग कर लेंगे फिर चीनी के ग्रैन्यूल्स आपको नहीं दिखाई देते, आपको ये मिक्स हो जाता है पानी के अंदर, ये डिसॉल्व हो जाता है। तो ये है डिसॉल्व्ड सॉलिड्स। तो दो तरीके के डिसॉल्व्ड सॉलिड्स पाए जाते हैं पानी के अंदर, एक है आपका इम्प्योरिटीज़, दूसरे हैं एसेंशियल मिनरल्स। अगर आप एसेंशियल मिनरल्स और इम्प्योरिटीज़ देखेंगे, TDS मीटर जो टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स बताता है ये अलग से इम्प्योरिटीज़ का TDS कितना है या मिनरल का TDS कितना है ये नहीं बताता, मतलब इन दोनों का रेशियो नहीं बता सकता, ये टोटल बताता है, टोटल नंबर ऑफ टोटल मिलीग्राम्स ऑफ डिसॉल्व्ड सॉलिड्स इन 1 लीटर ऑफ वाटर। तो ये TDS मीटर की एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है कि अलग अलग से मिनरल या इम्प्योरिटीज़ का TDS नहीं बताता, ये सिर्फ टोटल करके बताता है। अब अगर आप ये देखेंगे कि मार्केट में जो प्योरीफायर मिलते हैं उसमें पानी को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक हिस्सा RO की तरफ जाता है और दूसरा हिस्सा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की तरफ जाता है। इसको इसलिए किया जाता है ताकि TDS को मेंटेन कर सके, क्योंकि RO टेक्नोलॉजी TDS को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देता है और पानी के अंदर के इम्प्योरिटीज और मिनरल दोनों को निकाल देता है। लेकिन मार्केट में आज लोग ये कहते हैं कि RO टेक्नोलॉजी जो है यूज़फुल नहीं है, RO टेक्नोलॉजी मिनरल्स के लिए, हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है क्योंकि मिनरल्स को निकाल देता है। लेकिन इस पॉइंट को बताने के लिए, इस पॉइंट को एक्सप्रेस करने के लिए उन्होंने, मतलब मार्केट में ये कहा जाता है कि TDS एडजस्टमेंट,
अब देखिए टीडीएस एडजस्टमेंट होता कैसे है, ये पानी को बाईपास करके एक तरफ आरओ और एक तरफ यूवी या यूएफ, मतलब यूवी और यूएफ पूरे तरीके से प्योरिफिकेशन दे नहीं सकता तो टीडीएस वहाँ पे ज़्यादा होगा। दूसरी तरफ आरओ जो इम्प्योरिटीज और मिनरल्स दोनों को निकाल देता है उस तरफ टीडीएस कम होगा। फिर दोनों पानी को मिक्स किया जाता है और फिर किया जाता है एडजस्टमेंट। अब मान लीजिए कि आपने एडजस्ट कर दिया 60, 70, 80 या 100 टीडीएस पे। जैसे ही आपने एडजस्ट किया, अब टीडीएस मीटर आपको टोटल डिसॉल्व सॉलिड बताता है, आपको ये नहीं बताता कि उसके अंदर मिनरल्स है भी कि नहीं, उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ का परसेंटेज कितना है। मतलब अनोइंगली हम मिनरल के लालच में इम्प्योरिटीज़ भी साथ में पी रहे हैं। चूँकि जो टीडीएस एडजस्टमेंट के बाद जितना टीडीएस एडजस्ट करते हैं उसमें हमें ये नहीं मालूम चलता कि इम्प्योरिटीज़ कितना है, मिनरल कितना है, मिनरल ज़्यादा है या इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा है, ये हमें पता नहीं लगता। तो ये लेकिन अगर हम टेक्नोलॉजीज़ को देखेंगे, आरओ के अलावा जो टेक्नोलॉजी यूज़ किया जा रहा है उसमें इतनी एफिशिएंसी नहीं मिलती। तो जाहिर सी बात है कि अगर एडजस्टमेंट करेंगे तो उसमें इम्प्योरिटीज़ रह जाएंगे। और मैंने शुरू में आपको कहा था कि पानी के अंदर सबसे डेंजरस होता है केमिकल इम्प्योरिटीज़, जो कि आप देख सकते हैं कि नाइट्रेट्स है, फ्लोराइड है, आर्सेनिक है, ये इस तरीके के इम्प्योरिटीज़ अगर थोड़ा सा भी जाएगा, मतलब अगर हम मिनरल के लालच में अनजाने में इम्प्योरिटीज़ मिला के टीडीएस एडजस्ट करके हम उस पानी को पियेंगे तो मिनरल जितना फ़ायदा करेगा उससे ज़्यादा नुकसान हमारा इम्प्योरिटीज़ कर सकता है। लेकिन शार्प और वेस्टिज ने ये प्रोसेस नहीं अपनाया है, ये मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन हमने नहीं अपनाया है। हमने मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन जो अपनाया है आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहला हम देते हैं पीपी फिल्टर, जो मार्केट में मिलते हैं सेडिमेंट फिल्टर, हम दे रहे हैं पीपी पॉलीप्रोपिलीन फिल्टर, जो ड्यूरेबिलिटी उसकी ज़्यादा है। मतलब आप समझ लीजिए कि सीमेंट की बोरी में जो इस्तेमाल किया जाता है वो उस मटेरियल की क्वालिटी हम देते हैं। तो फिजिकल इम्प्योरिटीज़ पीपी फिल्टर के आगे कभी नहीं जाएगा, मतलब ये ब्लॉकिंग सिस्टम है। इसका मतलब ये है कि पानी या तो पूरे साफ मिलेगा या तो रुक जाएगा। मतलब मार्केट में जो फिल्टर्स मिलते हैं आपने देखा कि वो कंसिस्टेंट क्वालिटी का नहीं दे सकता, चूँकि उस तरीके का मटेरियल इस्तेमाल नहीं किया गया। हमने जो टेक्नोलॉजी और मटेरियल इस्तेमाल किया इस हिसाब से किया ताकि पानी की गुणवत्ता, पानी की जो क्वालिटी वो मेंटेन रहे, और जिस दिन खराब हो जाएगा बिल्कुल खराब हो जाएगा, जीरो या वन, बीच में कुछ नहीं हो सकता। दूसरा आता है सीबी फिल्टर, कार्बन ब्लॉक। मार्केट में जो कार्बन के ग्रैन्यूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं हम इस्तेमाल कर रहे हैं कार्बन ब्लॉक, मतलब कार्बन का ईंटा, जो आपको सरफेस एरिया ज़्यादा देता है, जो आपको एफिशिएंसी भी ज़्यादा देता है। तीसरे आरओ मेम्ब्रेन की मैं अगर बात करूं, जो हम आरओ मेम्ब्रेन इस्तेमाल कर रहे हैं वो यूएसए की एक बेहतरीन कंपनी है डाओ, उस कंपनी का आरओ मेम्ब्रेन हम इस्तेमाल करते हैं, जो क्वालिटी में बेहतरीन है, एफिशिएंसी बेहतरीन है और लाइफ भी उसका ज़्यादा है, राइट। तो चौथा फिल्टर हम जो इस्तेमाल करते हैं उसका एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आरओ के बाद पानी टैंक में जाता है, टैंक में स्टोर होता है, और जब आप नलके को खोलते हैं पानी निकालने के लिए उस वक्त पानी जो है डिसरप्टर टेक्नोलॉजी के थ्रू आपके टैप तक पहुंचता है। इसका मतलब ये है कि डिसरप्टर को आप लास्ट माइल प्योरिफिकेशन कह सकते हैं, मतलब जिस समय हमें पानी डिलीवर किया जा रहा है पीने के लिए उस समय प्योरिफिकेशन के साथ दिया जा रहा है, मतलब लास्ट ड्रॉप तक आपको प्योरिफिकेशन मिलेगा। तो जो मैंने आपको शुरू में कहा था दो बेनिफिट जो शार्प देता है आपको, वो है पहला बेहतरीन क्वालिटी का वाटर, जिसके लिए हमारे पास एक प्रूफ है। आप देख सकते हैं कि ये है TUV, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कंपनीज को ISO सर्टिफिकेट देते हैं, उस कंपनी से हमने अपने वाटर प्योरीफायर को टेस्ट कराया, और टेस्ट कराने के बाद उनके जो रिजल्ट्स आए हैं वो मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि लैब में जब प्रोडक्ट टेस्ट किया जाता है तो एक होता है टेस्ट पैरामीटर्स,
मतलब किस किस पैरामीटर पे टेस्ट किया गया है। दूसरा इनलेट वाटर, जिसमें आर्टिफिशियली इम्प्योरिटीज डाले जाते हैं, इंजेक्ट किया जाता है लैब में। तीसरा आउटलेट वाटर, जो प्योरिफिकेशन के बाद आपको क्या पानी की क्वालिटी मिलती है। आप एक्सेप्टेबल लिमिट अगर आप देखेंगे, एक्सेप्टेबल लिमिट का मतलब है कि इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से पानी के अंदर कितने इम्प्योरिटीज चल सकता है। अब अगर मैं आर्सेनिक की बात करूं, आर्सेनिक में आप देख सकते हैं कि 0.101 मिलीग्राम्स पर लीटर आर्टिफिशियली इंजेक्ट किया गया है, और इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से वो कहते हैं कि अगर 0.01 मिलीग्राम्स पर लीटर पानी के अंदर है तो उस पानी को पी सकते हैं। लेकिन लैब में जब मेजर किया उन्होंने एक रिपोर्ट में ये लिखा आउटलेट वाटर में कि BLQ कहा जाता है बिलो द लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन, मतलब लैब में जहां तक मेजर हो सकता है उससे भी नीचे। मान लीजिए यह है इंडिया का स्टैंड एक्सेप्टेबल लिमिट, यहां तक पानी में आर्सेनिक चल सकता है, लैब में यहां तक मेजर किया जाता है, और BLQ का मतलब है लैब में जहां तक मेजर करते हैं उससे भी नीचे, मतलब किसी भी इम्प्योरिटीज का नामो निशान नहीं है। मतलब जहां जहां BLQ दिया हुआ है, मतलब इम्प्योरिटीज का पानी के अंदर नामो निशान नहीं है, जो ये प्रूफ करता है कि पानी की क्वालिटी किस तरीके से बेटर है। अब आपके स्क्रीन के ऊपर मैंने स्क्रीनशॉट दिया है जो बाकी के रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे वेबसाइट से। और इसमें आप देख सकते हैं कि हर एक केस में या तो BLQ दिया है या तो नॉट डिटेक्टेड डाला गया है। जिस चाहे आप इसको फ्रीज करके स्क्रीन को आप इसे देख सकते हैं डिटेल में कि पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स और फर्टिलाइजर DDT जिसे कह सकते हैं, मतलब जो सबसे डेंजरस इम्प्योरिटीज है उसको भी हमने पानी के अंदर से पूरे तरीके से निकाल दिया। तो ये है आपका फाइनल जो बैक्टीरिया और बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज के बारे में स्क्रीन के ऊपर। तो एक बार वापस चलते हैं हम अपने प्रेजेंटेशन में कि हमने जो 3 बेनिफिट बताए थे आपको, सबसे पहला बेनिफिट ये था कि क्लीनेस्ट वाटर। तो क्लीनेस्ट वाटर का प्रूफ हमने आपको TUV रिपोर्ट के हिसाब से दिखा दिया, और आपने जो टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं, जो प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं, उससे भी आपको पता लग रहा है कि हमने डिसरप्टर टेक्नोलॉजी को के वजह से हम लोग क्वालिटी वाटर हमें मिल सकता है और कंसिस्टेंट क्वालिटी आपको मिल सकता है। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है प्योरीफायर के लिए, खास करके वाटर प्योरीफायर के लिए, चूंकि आप अपने परिवार के सुरक्षा के लिए वाटर प्योरीफायर आपने परचेस किया है। अब अगर पानी की क्वालिटी गिरता रहे, जो कि मार्केट के प्रोडक्ट्स में होता है, और हमने उसी चीज का उसी वीकनेस को हमने अपना स्ट्रेंथ बना लिया है, तो आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि हमारे तो RO टेक्नोलॉजी जो है वो पूरे तरीके से पानी के अंदर के मिनरल्स निकाल देते हैं। तो हमने क्या किया, हमारे जो स्ट्रेटेजी है वो ये है कि पानी के अंदर के मिनरल्स और इम्प्योरिटीज दोनों निकाल दीजिए, पानी को बिल्कुल साफ कर देते हैं। तो चूंकि ये जो कॉन्सेप्ट है कि हमारे शरीर के लिए 4 चीज़ें बहुत अहम हैं, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स और कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट हमें खाने से मिलता है, लेकिन जो मिनरल्स की अगर बात करेंगे, मिनरल्स का इकलौता सोर्स पानी नहीं है, मिनरल्स हमें खाने से भी मिल सकता है। और जो मिनरल बेसिकली पानी से मिलता है वो बहुत बेसिक मिनरल्स है, बहुत फंडामेंटल मिनरल्स है, जो इजीली हमें खाने से उपलब्ध हो सकते हैं। तो अगर हमने पानी को पूरे तरीके से प्योरीफाई कर दिया और ये इंश्योर कर दिया कि ये प्योरेस्ट है, ये बॉडी के अंदर बेटर तरीके से एब्जॉर्ब हो सकते हैं, और जो मिनरल्स की पूर्ति है वो चाहे हम खाने से पूरा कर सकते हैं, चाहे हम अपने सप्लीमेंट्स जो हम लेते हैं उसके साथ भी हम पूरे कर सकते हैं। आपको ये भी मालूम है कि प्रोटीन और विटामिन जो हमें चाहिए वो हमें पूरे तो खाने से नहीं मिलते, तो उसके लिए तो हम सप्लीमेंट्स लेते ही है। तो जो सप्लीमेंट्स हम लेते हैं ऐसा तो नहीं है कि उसमें सिर्फ प्रोटीन और विटामिन आए और उसमें मिनरल ना आए, तो उसमें मिनरल्स भी आ सकते हैं। तो ये है, आपको मैं अगर मार्केट और शार्क का एक समराइज कर दूं, मार्केट में
मिनरल के लालच में टीडीएस को एडजस्ट करके इम्प्यूरिटी वाला पानी पिलाया जाता है, लेकिन शार्प और वेस्टिज जो आपको पानी दे रहा है वो क्वालिटी एकदम सुपर्ब है, बेहतरीन है, जो टीयूवी रिपोर्ट के साथ आपको प्रूफ किया गया है। तो आपके पास दो चॉइसेस है, एक मिनरल के लालच में इम्प्यूरिटीज के साथ मिला के आप पानी पीजिए, दूसरा चॉइस ये है कि मिनरल और इम्प्यूरिटीज दोनों को निकाल दीजिए और जो मिनरल की पूर्ति है वह हम अपने सप्लीमेंट से कर सकते हैं या फूड से कर सकते हैं, क्योंकि ये पानी के अंदर जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो बहुत बेसिक मिनरल्स हैं। अब जो एक और सवाल आता है कि लो टीडीएस का पानी, कई लोगों को लगता है कि ये हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन आप थोड़ा एक बात सोचिए कि जब हम पानी पीते हैं, हम मुँह से पीते हैं, खाना भी मुँह से खाते हैं, सप्लीमेंट्स भी मुँह से लेते हैं, तो जब पेट के अंदर पानी जाता है वहाँ पे ऐसा तो सिस्टम नहीं है कि पेट बोले कि देखो भाई ये आरओ वाला पानी आया, इसके अंदर मिनरल्स नहीं है, इसको हटाओ। तो ये थोड़ा आप सोच लीजिए कि पेट के अंदर सारी चीज़ें अवेलेबल होना चाहिए, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट्स, ये ज़रूरी नहीं है कि वो कहाँ से आए, पानी से भी आ सकता है, खाने से भी आ सकता है, अगर इन दोनों से नहीं पूरे होते तो सप्लीमेंट से तो ज़रूर आ सकता है। मार्केट में जो प्योरीफायर मिलते हैं उसमें एक और कमज़ोरी है, एक और सच्चाई है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सारे प्योरिफिकेशन स्टेजेस पूरे करने के बाद पानी को टैंक में स्टोर किया जाता है। इसका मतलब यह है कि जितने भी प्योरिफिकेशन एफिशिएंसी है, चाहे वो 90% हो चाहे 95 हो, 95% प्योरीफाइड वाटर टैंक में आता है और मार्केट के प्योरीफायर में टैप जो है टैंक के साथ कनेक्टेड होता है। तो इसके कारण क्या होता है कि पानी के अंदर जो इम्प्योरिटीज रह गए हैं वो टैंक में एक्यूमुलेट होते रहते हैं। जैसे जैसे टैंक में एक्यूमुलेट होते जाएंगे, जैसे जैसे दिन गुजरता जाएगा, टैंक में इम्प्योरिटीज का लेवल बढ़ता रहेगा। तो अब मार्केट में एक नया फंडा निकला है कि स्टील के टैंक या कॉपर के टैंक। कॉपर के टैंक का तो इस्तेमाल अब कम हो गया, लेकिन ज़्यादातर लोग स्टील के टैंक प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि चाहे टैंक प्लास्टिक का हो चाहे टैंक स्टील का हो, मैटर ये नहीं करता कि आपने अपग्रेड करके स्टील कर दिया, लेकिन जो सारे प्योरिफिकेशन करने के बाद जो इम्प्योरिटीज़ रह जाते हैं, चाहे 1% हो चाहे 2% हो चाहे 5% हो, वो इम्प्योरिटीज़ टैंक के अंदर एक्यूमुलेशन होते रहते हैं, जो कि हमारे पानी के कंसिस्टेंसी के लिए सही नहीं है। तो कंपटीशन की कमज़ोरी जो एक और है जो आपके सामने है प्रूफ के साथ, कि जहाँ पे टैंक पे स्टोर हो रहा है वहाँ पे अगर पानी हम पी रहे हैं तो कंसिस्टेंट क्वालिटी का पानी हमें नहीं मिलता है। और शार्प के डिसरप्टर टेक्नोलॉजी के साथ जो लास्ट माइल प्योरिफिकेशन की बात करते हैं हम, जिसके कारण हमें पानी की क्वालिटी, बेहतरीन क्वालिटी और पानी की बेहतरीन कंसिस्टेंसी आपको पूरे फिल्टर के लाइफ के दौरान आपको मिलता रहता है। हमारा जो वाटर प्योरीफायर है वो इस तरीके का दिखता है और ये जो चार कार्ट्रिजेस हैं आपके, नंबर 1 पीपी फिल्टर, नंबर 2 सीबी फिल्टर, नंबर 3 आरओ मेम्ब्रेन और नंबर 4 डिसरप्टर। आप इनके साइज, फिल्टर के साइज देख सकते हैं कार्बन फिल्टर के, तो और जो डिस्प्ले है उसमें फिल्टर के इंडिकेटर दिए गए हैं कि फिल्टर की लाइफ का एक लेवल इंडिकेटर आपको डिस्प्ले में दिखाई देता है। तो फिल्टर के लाइफ और फिल्टर के रिप्लेसमेंट कॉस्ट के बारे में अलग से हम लोग बात करेंगे। आरओ टेक्नोलॉजी में हमें भी समझ में आता है कि हाँ, आरओ टेक्नोलॉजी इतने मतलब इन ह्यूमन बीइंग्स के बनाए हुए टेक्नोलॉजीज में से थोड़ा मतलब ड्रॉबैक है, समझते हैं हम कि आरओ टेक्नोलॉजी मिनरल को निकाल देता है और सबसे ज़रूरी बात पानी को ड्रेन करता है, मतलब लगभग 65-70% वाटर ड्रेन होता है। तो आप अगर वाटर के लिए कॉन्शियस हैं, वाटर वेस्टेज नहीं करना चाहते, तो ये जो ड्रेन वाटर है आरओ का वो आप अपने पौधों में डाल सकते हैं, आपके पास अगर पौधे हैं उसमें डाल सकते हैं, बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, फर्श को साफ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या
टॉयलेट को फ्लश करने के लिए टॉयलेट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केट में एक और टॉपिक है जिसके बारे में लोग बात करते हैं, वो है पानी की पीएच और एल्कलाइन वाटर। तो आपको मैं आज पीएच और एल्कलाइन वाटर की सच्चाई बताता हूँ, बाकी डिसीजन आपका कि आपको न्यूट्रल वाटर पीना है शार्प प्रेस्टीज का या आपको एल्कलाइन वाटर पीना है, लेकिन मैं आपको इसकी सच्चाई बताता हूँ। पीएच कहा जाता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ये एक चार्ट है, मतलब एक तरफ होता है एसिडिक, एक तरफ होता है एल्कलाइन और बीच का कहा जाता है न्यूट्रल। तो जो पानी आपको सोर्स वाटर मिलता है वो मिलता है न्यूट्रल, वन का मतलब फुल्ली एसिडिक, वन से लेके आप मान लीजिए 5.926 तक ये एसिडिक माना जाता है, मतलब वन अगर फुल्ली एसिडिक हुआ तो 5.9 या 6 जो है बहुत लेस एसिडिक है। ठीक उसी तरीके से 5-6 से लेके 7 जो ये रेंज न्यूट्रल माना जाता है, और 7 या 7.5 के ऊपर जो धीरे धीरे एल्कलाइन होने लगता है, और 14 हाईली एल्कलाइन माना जाता है। तो ये हमारे जो ब्लड है, हमारे बॉडी में जो ब्लड है उसका पीएच है 7.365। तो ये बॉडी की पीएच मेंटेन करना ज़रूरी है ताकि हमारे बॉडी की फंक्शनलिटी प्रॉपर हो सके। तो ये मैनेज करने के लिए हमारी जो रेगुलर डाइट है वो एक बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। तो आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि कुछ है एसिडिक डाइट, कुछ है न्यूट्रल डाइट, कुछ है एल्कलाइन डाइट। तो बॉडी की पीएच मेंटेन करना होता है ऑब्जेक्टिव। बॉडी की पीएच अगर डिसबैलेंस हो जाएगी तो हमारे ऑर्गन्स को, जैसे गॉल ब्लैडर है, उनको स्पेशल फ्लूइड्स जेनरेट करना पड़ेगा ताकि उसको बैलेंस किया जाए। तो ऑब्जेक्टिव है बॉडी की पीएच को बैलेंस करना। और हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है? पहला ऑप्शन ये है कि हम अपने डाइट को इस तरीके से बैलेंस करें ताकि एसिडिक, एल्कलाइन और न्यूट्रल डाइट का एक ऐसा बैलेंस हो जिससे कि बॉडी की पीएच मेंटेन हो सके। मान लीजिए आपने कोई फ्राइड आइटम्स खा लिया, उसके बाद आप दही ले लीजिए, या आपने कोई समोसा ले लिया तो उसके बाद आप नींबू पानी पी लीजिए। तो अगर आप बैलेंस बना लेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी की पीएच मैनेज हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन जो मार्केट में आजकल लोग बोल रहे हैं वो ये है कि एल्कलाइन वाटर। आपको पता है कि पानी जो सोर्स वाटर है वो न्यूट्रल है, तो एल्कलाइन वाटर बनाने के लिए या तो कोई केमिकल प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे वो लोग, या तो कोई केमिकल कार्ट्रिज का इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब आर्टिफिशियली पानी को एल्कलाइन में कन्वर्ट किया जाएगा। तो आपके पास दूसरा चॉइस ये है कि आप एसिडिक डाइट लेते रहें, जो कि आज खासकर बच्चों के लिए ये हो गया है कि एसिडिक डाइट थोड़ा ज़्यादा लेते हैं, और आर्टिफिशियली केमिकली प्रोसेस्ड एल्कलाइन वाटर पीजिए। यह है ऑप्शन नंबर टू। एक तीसरा ऑप्शन है, अगर मान लीजिए हमें एल्कलाइन वाटर पीना है तो हम अपने घर में नेचुरली एल्कलाइन वाटर बना सकते हैं, जो कि इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से आयुर्वेदिक है और हजारों साल से ये टेक्निक चलता हुआ आ रहा है। आप एक लीटर पानी का बॉटल लीजिए और उसके अंदर आप 4 पुदीना के पत्ते और 2 टुकड़े नींबू के, निचोड़िएगा नहीं, और 4 स्लाइसेस ऑफ क्यूकम्बर, जैसे हम सलाद में डालते हैं उस तरीके के 4 स्लाइसेस आप पानी में डाल के छोड़ दीजिए रात भर, अगले दिन सुबह वो नेचुरल एल्कलाइन वाटर बन जाता है। तो यूरोप में आपको बॉटल्ड एल्कलाइन वाटर मिलते हैं, वो वहाँ पे डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं उन पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए टेम्परेरीली। बट अगर आपको इंडिया में एल्कलाइन वाटर पीना ही है, मान लीजिए आपके घर में कोई ऐसे हैं जिनके लिवर या किडनी के इश्यूज हैं या डाइजेशन के प्रॉब्लम है, उनको आप नेचुरली घर में बनाए हुए एल्कलाइन वाटर दे सकते हैं। तो ये 3 चॉइसेस जो मैंने आपको दिया और आपको मैंने पीएच के बारे में बताया, आई होप यू विल बी एबल टू टेक द राइट डिसीजन। थैंक यू सो मच। आई होप मैं आपको समझा पाया कि
कि शार्प और वेस्टिज के वाटर प्योरीफायर में क्या खासियत है, उसके वैल्यू प्रोपोजिशन के आपको 28,000 के बदले में आपको क्या मिल रहा है। तो थैंक यू सो मच। मैं आपको अपने जो सेकंड प्रोडक्ट है हमारे वाटर प्योरीफायर कैटेगरी में जो है वाटर पिचर, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा जानकारी दूंगा। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपने पिछले प्रेजेंटेशन में ये देखा कि मार्केट में जो वाटर प्योरीफायर मिलते हैं उनकी टेक्नोलॉजीज, उनके मेथड ऑफ प्योरीफिकेशन में फ्लॉ है या ड्रॉबैक्स है, जिसके कारण पानी के क्वालिटी उस तरीके से नहीं है और कंसिस्टेंसी तो है नहीं। तो मेरा आपसे प्रपोजल ये है कि जो जितने भी आप में से लोग ऐसे हैं जो कॉम्पिटिशन मार्केट में अवेलेबल वाटर प्योरीफायर का इस्तेमाल करते हैं या 20 लीटर वाले पानी के बॉटल घर में परचेज करके यूज़ करते हैं, आप पिचर में उस पानी को डाल के आप उसको पीजिए तो टेस्ट और क्वालिटी में एनहेंसमेंट होगा। तो जो पानी का टेस्ट है और जो पानी की क्वालिटी है वो हमारा वाटर पिचर एनहेंस कर सकता है। और अगर आपके घर में जो कॉरपोरेशन का पानी आ रहा है या म्यूनिसिपैलिटी का पानी आ रहा है प्योरीफाइड लो TDS, उस केस में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि कई लोग ऐसे जो हल्दी और नमक डाल के इसका डेमोंस्ट्रेशन वीडियो आपने अपलोड किया है, आप वो चीज़ मत देखिए, क्योंकि ये जो वाटर पिचर है ये सिर्फ और सिर्फ पीने के पानी के लिए बनाए गए हैं, पीने के पानी का टेस्ट और क्वालिटी को एनहेंस करने के लिए बनाए गए हैं। अगर आप इस पीने के पानी के लिए इस्तेमाल करेंगे तो इसके जो फिल्टर्स है और इसके फिल्टर के जो कार्ट्रिज है ये आपको लगभग 400 से 450 लीटर का लाइफ देगा, राइट। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर चार पार्ट्स हैं, एक है पिचर बॉडी जो कि वाइट ट्रांसपेरेंट कलर के हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा है कि पिचर का कवर, और राइट हैंड बीच में आपको दिख रहा है पिचर के कार्ट्रिज जो कि आपको वेस्टिज से अवेलेबल होगा। और इसके लिए आप वेस्टिज से परचेज कर सकते हैं। और अगर आप पीने के पानी में इस्तेमाल करते हैं तो इसकी कीमत होती है कार्ट्रिज की लगभग 1050, इसका मतलब 400 से 450 लीटर में आपको ₹2.5 से ₹3 का खर्चा पड़ता है। बट मैं इतना आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर ₹2.5 पर लीटर आप पिचर के पानी के टेस्ट के लिए पे करेंगे तो आपको रिग्रेट नहीं होगा, आपको बल्कि खुशी होगी कि आप एक बेहतरीन पानी आप अपने फैमिली के लिए दे सकते हैं। अब फाइनली मैं आपको ब्रीफली बताना चाहता हूँ कि हमारे जो कार्ट्रिजेस है, इसको आप प्लीज़ स्क्रीन को फ्रीज करके आप देख लीजिएगा कि वाटर प्योरीफायर के कौन से कार्ट्रिजेस है और वाटर पिचर के कौन से कार्ट्रिजेस है और उनके पार्ट कोड क्या है, उनकी लाइफ क्या है, उनका डिस्क्रिप्शन क्या है, और DP प्राइस, BV PV और उसके MRP क्या है। आप वेस्टिज से परचेस करेंगे तो आपको इसमें BV और PV मिलता है। आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप जो टेक्नीशियन आ रहे हैं आपके घर में उनसे परचेस कर सकते हैं, लेकिन उनसे आप परचेस करेंगे तो आपको BV PV नहीं मिलेगा और वो आपको MRP पे देंगे। थैंक यू सो मच कि आज आपने इतना कीमती अपना समय दिया मेरे प्रेजेंटेशन को सुनने के लिए। थैंक यू वंस अगेन। दोस्तों, सबसे पहले तो चलिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मिस्टर मजूमदार का, जिन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन प्रेजेंटेशन की और हमें बताया कि कैसे वाटर प्योरीफायर हमारे लिए बेनिफिशियल है। दोस्तों, इस प्रेजेंटेशन के बाद कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो मैं मजूमदार से पूछना चाहूँगा, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू हमें मिलते हैं या हमारे नए डिस्ट्रीब्यूटर्स को हमारे वाटर प्योरीफायर के बारे में पता होने चाहिए। सो मैं मजूमदार जी से उन क्वेश्चंस के बारे में पूछूंगा और चलिए जानते हैं कि उनके आंसर्स क्या क्या होते हैं, राइट। सबसे पहला सवाल मैं मजूमदार जी आपसे पूछना चाहूँगा कि थोड़ा सा हमें हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को शार्प कंपनी के बारे में प्लीज़ बताइए, कंपनी कहाँ की है और ये कंपनी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दीजिए प्लीज़। गुड। शार्प एक जापानीज कंपनी है जो 108 साल पहले 108 ईयर्स पहले जापान में शुरू किए गए थे, और ये धीरे धीरे जब शार्प एक्सपैंड होने लगा
जब शार्प के प्रोडक्ट प्रोफाइल्स एक्सपेंड होने लगे तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने R&D फैसिलिटीज़ इन्होंने दुनिया भर में एक्सपेंड किया, तो ताकि शार्प के जो यूनिक प्रोडक्ट्स है, शार्प के जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस प्रोडक्ट्स है, वो दुनिया के हर कोने में लोगों को उस चीज़ के बेनिफिट मिल सके। तो आज की डेट में हमारे पास लगभग 58 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है शार्प के अपने दुनिया भर में। ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ बनाने का पर्पस ये था कि ताकि लोकल फिट प्रोडक्ट्स जो है हम अपने उस मार्केट के लिए बना सके और दे सके। तो इंडिया में भी जैसे हमारे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, थाईलैंड में है, मलेशिया में है और चाइना में है, अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है जहाँ पे अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स हम लोकल फिट मार्केट्स के लिए क्रिएट करते हैं और वहाँ के लिए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और ये भी बताना चाहूँगा कि शार्प के जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है, हाई स्टैंडर्ड्स है, वो हम लोग मेंटेन करते हैं अपने हर फैक्ट्रीज में, हर प्रोडक्ट। ओके, थैंक यू सर। सर, इसके साथ जो मैं अगला क्वेश्चन जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स मोस्टली पूछते हैं और उनको पता होना चाहिए कि हमारे वाटर प्योरीफायर के अंदर जो RO टेक्नोलॉजी होती है उसका बेनिफिट क्या होता है, वो क्यों यूज़ की जाती है हमारे वाटर प्योरीफायर में, सो इसके बारे में प्लीज़ थोड़ा सा बताइए। देखिए, जैसे कि मैंने प्रेजेंटेशन के दौरान बताया है कि RO के अलावा जो बाकी टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल किए जाते हैं वो पूरे तरीके से इम्प्योरिटीज़ को नहीं निकाल सकते। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो RO इज़ एन एविल। हाँ, RO के नेगेटिव चीज़ें हैं, RO पानी ड्रेन करता है, RO पानी के अंदर के मिनरल्स निकाल देता है, बट एट दिस स्टेज मेरे ख्याल से हमारे पास चॉइस नहीं है, इम्प्योरिटीज़ को सबसे बेहतर तरीके से RO टेक्नोलॉजी ही निकाल सकते हैं। और इम्प्योरिटीज़ का हमारे शरीर के अंदर जाना किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है वो तो हमने प्रेजेंटेशन के दौरान देख ही लिया। आई होप दिस आंसर्स। ओके, थैंक यू सो मच। फिर इसके साथ जो मैं अगला सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारे प्योरीफायर के अंदर जो RO मेम्ब्रेन है वो बाकियों से बेटर कैसे है? हाँ, ये भी हमने प्रेजेंटेशन में कवर किया था कि हम डाओ कंपनी का RO मेम्ब्रेन इस्तेमाल करते हैं जो कि दुनिया की बेहतरीन RO मेम्ब्रेन माना जाता है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी आल्सो। ओके, थैंक यू सर। इसके साथ मैं अगला सवाल पूछना चाहूँगा कि अगर पानी का TDS 50 से कम होता है तो क्या वो पानी पीने लायक होता है? देखिए, अगर मैं इंडियन स्टैंडर्ड्स की बात करूँ, BIS की बात करूँ, तो BIS बोलते हैं कि 500 TDS तक पानी आप पी सकते हैं। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये कहना है कि 300 TDS तक पानी पी सकते हैं। तो अगर इन्होंने कहा कि 300 TDS तक, अगर BIS ने कहा 500 TDS तक, इसका मतलब 0 TDS का भी पानी पी सकते हैं, मतलब अप टू 300 उन्होंने कहा, मतलब उन्होंने कोई लोअर लिमिट सेट नहीं किया है। तो इसका मतलब अगर TDS कम भी होगा तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, पानी को पीने के लिए कोई दिक्कत नहीं है एज़ पर देयर स्टैंडर्ड्स। बट कुछ लोग जो है इस चीज़ को गलत तरीके से मिस इंटरप्रेट करते हैं और लोगों को मिसगाइड करते हैं, बट एज़ पर स्टैंडर्ड्स ऐसा कोई लोअर लिमिट नहीं है, कम से कम TDS का भी पानी पीने लायक होता है। थैंक यू सर। इसके साथ मैं अगला सवाल पूछना चाहूँगा कि जो वाटर प्योरीफायर है उसको इंस्टॉल करने की बेस्ट लोकेशन क्या होनी चाहिए? देखिए, ये वाटर प्योरीफायर में हमारे तीन पार्ट्स होते हैं, एक है मेन यूनिट, एक है टैंक और एक अपना टैप। तो इनफैक्ट मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे एक इंस्टॉलेशन जो है हमारे पास, मेरे ख्याल से हम उस इंस्टॉलेशन को देख लेते हैं एक बार प्रैक्टिकली, और उस इंस्टॉलेशन को देख के हम देख लेंगे कि किस तरीके से इंस्टॉलेशन करना ठीक रहता है। ओके, परफेक्ट। इसके साथ सर मैं अगला सवाल पूछना चाहूँगा कि जो AF डिसरप्टर टेक्नोलॉजी है हमारे वाटर प्योरीफायर में वो UV और UVF टेक्नोलॉजी से बेटर कैसे है? देखिए, AF डिसरप्टर एक फ्यूचर टेक्नोलॉजी है जी, एक नेक्स्ट जेनरेशन टेक्नोलॉजी है। ये अल्ट्रा वायलेट मतलब आउटडेटेड हो चुका है टेक्नोलॉजी वाइज। और ये जो वैसे तो UF अगर देखा जाए तो वो काफ़ी हद तक थोड़ा सा ड्यूरेबल है, लेकिन UV टेक्नोलॉजी
हमने प्रेजेंटेशन में भी ये चीज़ कवर किया है कि ये कंसिस्टेंट क्वालिटी में इम्प्योरिटीज़ को निकाल नहीं सकता, कंसिस्टेंटली निकाल नहीं सकता, मतलब इम्प्योरिटीज़ को पूरे तरीके से निकाल नहीं सकता। और यूएफ टेक्नोलॉजी के भी लिमिटेशंस होते हैं कि वो कुछ परसेंटेज तक केमिकल और बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज़ को निकाल सकता है जी। बट जो हम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक नेक्स्ट जनरेशन है, वो कंसिस्टेंट है। सबसे ज़रूरी बात है कि एफिशिएंसी में कोई ड्रॉप नहीं आता, जब तक फिल्टर का लाइफ होगा तब तक एक तरीके की एफिशिएंट क्वालिटी का पानी आपको मिलता रहेगा। That's great. इसके साथ कुछ एक कॉमन सवाल है जो काफ़ी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स पूछते हैं, आई थिंक इसका जवाब तो मैं ही आपको दे देता हूँ। और एक सवाल आता है कि जो हमारी कंसिस्टेंसी ऑफर चल रहा है और जो चलता है उसमें हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स का सवाल होता है कि क्या वेस्टेज शार्प वाटर प्योरीफायर की फिल्टर कार्ट्रेज उसमें इंक्लूड होती है। और इसका जवाब मैं खुद दे देता हूँ कि हाँ, यस, हमारे फिल्टर कार्ट्रेज कंसिस्टेंसी में इंक्लूड होती है। और अगर आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो आपको कोई कूरियर चार्जेस देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। वेल विद दैट मैं आई थिंक एवरीवन, हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में आज पता लगा एंड मजुमदार जी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमें वाटर प्योरीफायर के बारे में बताया, उसके बेनिफिट्स के बारे में बताया और हमें कैसे उसके जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं उसके बारे में हमें जानकारी दी। और उसमें एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ हमें अपने तक नहीं रखनी, हमें अपने लोगों को भी इसके बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन देनी है सो दैट हम अपने लोगों को और इंस्पायर कर सकें और उनको वेस्टी शार्प वाटर प्योरीफायर को यूज़ करवा के उन्हें प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर भी दें और ये वाटर प्योरीफायर उनके बिजनेस को बढ़ाने में भी उनकी मदद करता है। सो इसके साथ मजुमदार जी थैंक यू सो मच आज के इस वंडरफुल सेशन के लिए और मुझे पर्सनली बहुत मज़ा आया, बहुत मेरे मुझे खुद बहुत अच्छा लगा आज दोबारा से आपको सुनकर और ये इतनी बेहतरीन प्रेजेंटेशन को अटेंड करके और ये सारे कॉमन क्वेश्चन को जानकर। सो एवरीवन इसी के साथ थैंक यू सो मच एंड आई होप आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी हमारे वाटर प्योरीफायर के बारे में और आपको इन क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू आपको काफी इजी रहेगा अपने लोगों को इनके बेनिफिट्स को बताने के लिए। सो विद दैट थैंक यू सो मच एवरीवन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, विश यू वेल एंड थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।